आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैंने बनाया है मकर संक्रांति स्पेशल थाली, जिसमें मैंने 7 तरीके के आइटम बनाए हैं, जिसमें है पूरन पोली, दही चूड़ा, तिल चिक्की, आटा लड्डू, खिचड़ी, तिल के लड्डू और लास्ट में लाई का लड्डू। चलते हैं सारी रेसिपी बनाने की तरफ। तो सबसे पहले बनाएंगे हम तिल चिक्की। तो मकर संक्रांति में तिल चिक्की बनाना तो बनता ही है, तो चलते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर लिया है और एक पैन को मैं गर्म कर रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ रोस्ट किए हुए तिल, जिसको मैंने पहले ही रोस्ट किया था। तो मैं इसे दोबारा हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस 2 मिनट करें और इसको फटाफट निकाल लें। और अब मैं सेम पैन में गुड़ डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें 1 कप गुड़ डाला है और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो कोई भी इसमें गांठे नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे से मिला लें। तो अभी आप देख रहे हैं ये अभी काफ़ी पतला है, तो मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ और ऐड किया है और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और जब ये अच्छे से पक जाएगा और इसमें झाग आने लगेगा, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करें, एक बाउल ले लें और इसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और ये इस तरीके से बंधने लग जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो गुड़ है वो तैयार है। तो हम इसे एक ट्रांसफर कर लेते हैं आधे गुड़ को, जिसका मैं बनाऊंगी तिल का लड्डू। तो मैंने गैस ऑफ किया है और इसमें हम डालेंगे तिल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक साथ सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार हो गया है। तो मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ इस तरीके से। तो आप सारा मिक्सचर इसमें निकाल लें और इस तरीके से हाथों से इसको हम फ्लैट करेंगे। तो ये काफ़ी गर्म है, तो मैं पानी लगा लगा करके इसको शेप दे रही हूँ। तो मैं इसको स्क्वायर शेप दे रही हूँ, आपको जैसा शेप पसंद है उस हिसाब से बनाएं। तो इस तरीके से मैंने इसको फ्लैट कर लिया है और इसको थोड़ा सा हम सेट होने के लिए रख देंगे। और जब ये हल्का सा सेट हो जाएगा तब मैं इसको कट कर रही हूँ पीसेस में। तो आप बड़े ध्यान से कट करें, क्योंकि ये अभी गीला है तो उसका शेप खराब हो सकता है। तो मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और कट करने के बाद इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट। तो ये रहा हमारा तिल चिक्की। तो आप इसे घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मकर संक्रांति पे आप भी इसे घर पे बनाएं और सबको खिलाएं। रेसिपी है तिल के लड्डू। तो मकर संक्रांति में तिल का लड्डू खाना तो बनता ही है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मैंने कढ़ाई में बचा हुआ जो गुड़ था वो ले लिया है और गैस ऑन कर दिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा, आप देख रहे हैं तो ये भी पतला है, तो मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ और ऐड कर रही हूँ। तो आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से इसमें अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें गुड़ डालें। और गुड़ डालने के बाद इसको अच्छे से हम वापस से पकाएंगे। तो पकाने का प्रोसेस सेम है, इसको तब तक पकाना है जब तक इसके ऊपर झाग ना आने लगे। और जब ये झाग आने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे रोस्टेड पीनट्स। तो मैंने इसको पहले ही रोस्ट कर लिया था और थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था। उसके बाद इसमें डालेंगे रोस्ट किए हुए तिल और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आपको लगे कि आपका जो ये मिक्सचर है वो पतला है, तो आप इसमें थोड़ा सा तिल और ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो मैं इसे ट्रांसफर कर रही हूँ एक बोल में। और अब हम चलते हैं लड्डू बनाने के लिए। तो हाथों को अच्छे से ग्रीस कर ले पानी से और थोड़ा सा मिक्सचर लेके इस तरीके से रोल करें और रोल करके हम लड्डू बनाएंगे। तो ये रहा पहला लड्डू। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो ये रहा हमारा मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू।
थर्ड जो रेसिपी है वो है खिचड़ी। तो आज के दिन सारे घरों में खिचड़ी तो बनता ही है, तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2/3 कप चावल और स्प्लिट मूंग की दाल। तो ये मैंने मार्केट से खरीदा है, आप चाहो तो अलग अलग करके भी इसको डाल सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 3 गुना पानी। तो जैसा मैंने आपको बताया 1:2 के रेशियो में आप चावल और दाल को डाल करके भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम कुकर को बंद करके गैस ऑन करेंगे और इसको कम से कम 4 सीटी तक हम कुक करेंगे। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं, अब इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ओपन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारी खिचड़ी जो है वो अच्छे से बन गई है। तो अब हम चलते हैं तड़का बनाने के लिए। तो वापस से गैस ऑन करिए और मैंने एक छोटा सा पैन रखा है, इसमें डालेंगे हम घी। और घी जब मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हींग, जीरा, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसे डाल देंगे खिचड़ी के अंदर और गैस को ऑफ कर देंगे। इसको हम दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारी जो खिचड़ी है वो तैयार हो गई है। तो आज मकर संक्रांति के दिन आप भी घर पे अपनी खिचड़ी बनाएं और सबको खिलाएं। रेसिपी है लाई लड्डू और मुरमुरा का लड्डू। तो हम मकर संक्रांति में इसे तो जरूर बनाते हैं। तो लाई लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर लिया है, एक कढ़ाई गर्म की है, इसमें मैं डाल रही हूँ लाई। तो ये जो लाई है इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी जिससे ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। तो आप इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको फ्राई कर लें। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन आप इसको फ्राई करके बनाएंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो आप देख रहे हैं ये अच्छे से फूटने लग गया है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ गैस ऑफ करके और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। दोबारा गैस ऑन कर रही हूँ और अब इसमें डालेंगे हम गुड़। और गुड़ डालने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। और आपको लगे तो आप इसमें और थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, जितना आपको लगे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ और ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो हमें गुड़ को काफी अच्छे से पकाना है। तो जब गुड़ से झाग निकलने लगे तब आप समझ जाएंगे कि आपका जो गुड़ है वो अच्छे से पक गया है। तो ये अभी तो काफी अच्छे से मिला है, तो अब इसमें से झाग निकलने लगा है। तो इसको चेक करने के लिए आप ठंडे पानी में ऐसे डालें और इस तरीके से बनने लग जाए तो हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से पक गया है। तो गैस को ऑफ कर दे और इसमें डालें मुरमुरा या फिर लाई। तो एक साथ पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको अच्छे से मिक्स करें। तो ये जो प्रोसेस है इसको फटाफट करना है वरना गुड़ जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो सारे मुरमुरों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम चलते हैं लड्डू बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पानी लिया हुआ है जिससे हम क्या करेंगे फटाफट अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर लेके फटाफट हम लड्डू बनाएंगे। तो आप इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करें। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। इसी तरीके से सारे लाई लड्डू बना लिए हैं। तो आप भी मकर संक्रांति में इसे अपने घर पे बनाएं और खाएं। फिफ्थ जो रेसिपी है वो है पूरन पोली। तो पूरन पोली जो है वो महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी है। तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चने की दाल लिया है जिसे 5 से 6 घंटे भिगो करके रखा था। तो मैं इसे कुकर में डाल दूंगी। उसके बाद हम इसमें कम से कम 1.5 कप के अराउंड पानी डालेंगे।
ज़्यादा नहीं डालना है। फिर हम ढक्कन लगा देते हैं और इसको गैस पे रख देते हैं और इसे 2 सीटी तक हम बॉईल करेंगे। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ओपन करके देख रहे हैं, हमारा दाल जो है वो काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। तो मैं इसे एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेती हूँ और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये रहा हमारा पेस्ट जिसे एकदम से स्मूथ बना लिया हमने। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन करेंगे और एक पैन को मैंने गर्म किया है और उसमें मैं डाल रही हूँ घी। और घी जब मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपना पेस्ट दाल का। तो सबको अच्छे से डाल दें इसमें। तो हमें इसे अच्छे से पकाना है घी में। तो हमें तब तक इसे पकाना है जब तक कि ये अपना जगह ना छोड़ना स्टार्ट कर दे। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करें और जब ये इस तरीके से हो जाए तब हम इसमें डालेंगे गुड़ का पाउडर। आप चाहो तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं गुड़ डाल रही हूँ इसमें। और गुड़ डालने के बाद इसको वापस से अच्छे से मिक्स करेंगे और कम से कम इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। तो हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है दाल में। इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर और वापस से इसको मिक्स करेंगे। तो हमारा जो पूरन पोली का जो बैटर है वो तैयार हो गया है। तो हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम बनाते हैं आटा। तो आटे के लिए मैंने बोल में 1 कप आटा लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ घी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं पानी के हेल्प से एक सॉफ्ट सा डो बनाऊंगी मैं। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालें और एक सॉफ्ट सा डो बनाएं। तो हमारा जो डो है वो तैयार हो गया है। तो अब इसको थोड़ा सा रेस्ट के लिए हम रख देंगे। तो अब हम चलते हैं रोटी बनाने के लिए। तो हमने सारे आइटम रख दिए हैं और डो लेकर के हम इसके 2 छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और पहले वाले को इस तरीके से हाथों के हेल्प से रोल करेंगे। उसके बाद इसकी एक छोटी सी रोटी बना लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे अपनी स्टफिंग। तो आपको जितना स्टफिंग डालना है उतना स्टफिंग डालें और इसको सील कर दें और वापस से इसको हाथ से दबा करके फिर सूखा आटा लगा करके इसको रोटी का शेप दें और इसको रोटी की तरीके से बेल लें। पहली रोटी हो गई है तो सेम तरीके से हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। तो दोनों रोटियां तैयार हैं। तो अब हम चलते हैं इसको सेकने के लिए। तो मैंने गैस ऑन किया है और एक तवा गरम किया है और इस पे मैं रख रही हूँ पहली रोटी। और जब एक साइड सिक जाए तो इसको पलट करके इसके ऊपर घी लगा लें। और घी लगाने के बाद इसको हम दोबारा पलटेंगे और दूसरे साइड भी हम अच्छे से घी लगाएंगे। और दोनों साइड घी लगाने के बाद हम इसे दबा दबा कर अच्छे से दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो अब ये हो गया है तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं सर्व करने के लिए। तो ये रहा हमारा पूरन पोली। छठा जो रेसिपी है वो है आटा लड्डू। आटा लड्डू जो होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है ठंडी में खाना और इससे बहुत एनर्जी मिलती है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है
और इसमें मैं डालूंगी गाय का घी और इसको थोड़ी देर हम अच्छे से पिघलने देंगे घी को। और जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी आटा। तो आपको जितने लड्डू बनाने हैं आप उस हिसाब से आटा डालें। तो मैंने इसमें 2 कप के अराउंड डाला है और इसको अच्छे से हम भूनेंगे घी में। आपको अगर घी कम लगे तो आप दोबारा इसमें घी ऐड कर सकते हैं। तो कम से कम इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुने लो फ्लेम पे, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो आप देख रहे हैं ये ब्राउन हो गया काफी अच्छे से, तो गैस को ऑफ कर लें और इसको एक प्लेट में फटाफट निकाल लें वरना ये जलने लग जाएगा। और इसको अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो हम लड्डू तभी बनाएंगे जब ये आटा बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तब तक मैं क्या करती हूँ, नारियल को फ्राई कर लेती हूँ हल्का सा। तो मैंने गैस ऑन किया है और इसमें कच्चा नारियल घिस करके डाला है और इसको हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ये फ्राई भी हो गया है। आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो आप इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लें फटाफट, तो उसको भी ठंडा होने दें। तो हमारा आटा ठंडा हो गया है, तब हम इसमें बाकी की चीजें डालेंगे। तो मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ नारियल। आप चाहो तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो भी डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची का पाउडर और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की हेल्प से। और फिर मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई चीनी। आप चाहो तो इसमें पिसे हुए गुड़ भी डाल सकते हैं। और चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं हमारा जो ये मिक्सचर है ये अभी बहुत ही सूखा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी जिससे ये बंधने लग जाएगा। तो वापस से इसको अच्छे से मिक्स करें। तो हमें इस तरीके से इसको बनाना है, तो एकदम परफेक्ट है। तो अब चलते हैं लड्डू बनाने के लिए। तो मैंने एक अलग से बोल ले लिया है और इस तरीके से हाथों से दबा दबा कर आप लड्डू बनाएं। तो हम सारे लड्डू इसी तरीके से बना लेंगे। तो हमने सारे लड्डू बना लिए हैं, तो आप भी इसे अपने घर पे बनाएं और खाएं। सातवीं जो रेसिपी है वो है दही चूड़ा। तो आज के दिन दही चूड़ा खाना तो बनता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप लिया है वॉश किया हुआ पोहा, 1 कप दही और यहाँ लिया है गुड़ का पाउडर। तो मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है, उसमें हम इस दही को डाल देंगे। उसके बाद मैं ये गुड़ डालूंगी, तो आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे भिगे हुए पोहे और इसको भी डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको जितना पोहा डालना है उस हिसाब से डालें। तो मैंने इसे काफी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा गुड़ डाल दे रही हूँ गार्निश के लिए। तो ये रहा हमारा दही चूड़ा। तो आप भी आज के दिन इसे बनाएं और खाएं। तो हमारी जो मकर संक्रांति की स्पेशल थाली वो तैयार हो गई है। तो इसमें है पूरन पोली, दही चूड़ा, तिल चिक्की, आटे का लड्डू, खिचड़ी, तिल के लड्डू और ये हमारा लाई का लड्डू। तो आई होप आपको मेरा ये स्पेशल थाली बहुत पसंद आया। तो प्लीज आप भी इसे बनाएं और एंजॉय करें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल हैप्पी कुकिंग।